गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी मेहता। एंड आज हमारी एनिवर्सरी है, 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी खुशी में मैं आज घर पे पहली बार, मैंने कभी केक बनाई नहीं, मैं पहली बार केक बनाने जा रही हूँ। और अभी के बर्थडे है दोपहर के 3 और खुशी हो गई है। लेट्स सी, तो केक बनाने के लिए मैं घर पे भी लगा करती हूँ। स्टार्ट दिस वीडियो। मैं लेके आई हूँ कुछ सामान, बताती हूँ आप सबको। मैं लाई हुई 5 ओरियो बिस्किट, ओरियो के हैं बिस्किट 5, और फिर बिस्किट हाइड एंड सीक, फिर मिल्क, और ये जो चॉकलेट आती है सॉफ्ट वाली जेली वाली, वो मैं 5 लेके आई हूँ। जेम्स है, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो हमें इनो भी चाहिए, तो 2 मिनट केक बनाते हो। इनो मिल्क और बटर जरूर लगाना, मैं बात करती हूँ। जब मैं किचन में जाऊँगी तो मैं दिखा दूंगी आप सबको। क्या करना है, एक पेन लेना है, ये सब बोलिए तो खोल देते। मैं 4 ओरियो डालूंगी केक में और 1 ओरियो डेकोरेट करने के लिए रख देती हूँ। फिर आप एक छोटा बाउल और लेनी हूँ और इसको 2 पार्ट कर लेना है। क्रीम है आपको निकाल देनी है, सब ओरियो बिस्किट की क्रीम निकाल देनी है फटाफट। तो मैं क्रीम निकाल दूँ, क्रीम को हमें फेंकना नहीं है। क्रीम के ऊपर आप बर्थडे हो तो बर्थडे वाला नाम भी लिख सकते हो, अगर आपकी एनिवर्सरी है तो आप वो भी लिख सकते हो। मैं इसके पे एनिवर्सरी का नाम लिखने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड वीडियो अच्छी लगे हो, जब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सारी क्रीम निकाल दी है ओरियो में से, और ये ओरियो की क्रीम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो।
गुलाब को क्या करना है? तो ऐसा पूरा बाउल लेना है, उसमें ओरियो बिस्किट डाल देनी है, तो मैंने ओरियो बिस्किट इसमें डाल दी है क्योंकि मेरे पास मिक्सर नहीं है और उसके लिए मिक्सर होता तो ज़्यादा बेटर था। कोई बात नहीं, हम ऐसे केक बना लेंगे और मेरे पास ओवन भी नहीं है इसलिए मैं आज कुकर में केक बनाने वाली हूँ। तो लेट कर स्टार्ट। और ओरियो बिस्किट डाल देने के बाद आपको दूध डालना है। तो लेते हैं पहले हम इतना ही दूध डालेंगे केक को, फिर हम उसमें डालेंगे चीनी। मेरे पास पीसी हुई चीनी नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा, और मैं ये चीनी डाल दूंगी। ये चम्मच 5 लेनी है। ये चीनी डाल दूँ, ऊपर से मैंने आधी चम्मच और चीनी डाली है। और मैंने चम्मच लिया, उसको मैं फेटूंगी। आप चम्मच से नहीं तो आप वो झरना आता है उसे भी आप फेट सकते हो। तो 1 कप दूध नहीं होगा, 2 कप दूध डालना पड़ेगा। और मैं 2 कप डाल रही हूँ दूध। गरम, आपके पास मिक्सर नहीं हो तो भी चलेगा, तो गरम दूध डालना है, बहुत गरम नहीं, मीडियम गर्म होना चाहिए दूध, ताकि आसानी से आपका बिस्किट और जो चीनी है और आसानी से मिक्सर की तरह हो जाए स्प्रेड, और उसको आप फेट हो जितना हो सके उतना फेटते रहो। ये मैंने मिक्स कर लिया है इसमें, और अब हम इसमें डालने वाले हैं इनो। तो हम जो इनो यूज़ करते हैं पीने के लिए, इनो यही हम इनो इसमें डालने वाले हैं केक में। तो मैंने आधा ही इनो लिया है, आधा ही है, पूरा नहीं डालना है आपको। दिखा देती हूँ, इसमें इनो डाल दिया है और उसको फेटना है। अब चॉकलेट सिरप जितना ठीक रखना है, चॉकलेट जैसे हम देर में कॉफी कर लेते हुए कैसे ठीक रहे, इतना ठीक रखना है आप सबको। तो एक क्रीम पिघल ना जाए इसके लिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तीन का पेन लेना है सबको, ऐसा 3 वाला। तो मैंने ये पेन ले लिया है, और मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, अमूल बटर ये लेना है, अमूल बटर। इस पेन में डाल देना है आपको। और पूरी तरह स्प्रेड करना है सभी जगह आपको, आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा ठीक रखना है। पूरी तरह बटर लगा दिया है सब। एक चाहिए बहुत ज्यादा केक बनाते हैं, मतलब मैंने 4 ओरियो बिस्किट केक बनाए तो मैं एक ही बटर डालूंगी, दूसरा बटर नहीं डालने। अगर 8 बिस्किट के बनाते हैं 10 वाले पैकेट के, तो ही आपको 2 मतलब बटर डालने हैं। अभी मेरे पास मैदा तो मैंने की पूरी खाते हो, लोड थोड़ा सा लेना है, उसमें स्प्रेड करना है। इसमें डाल देना है, तो
से डाल देना है। फिर आपने जो बैटर बनाया है उसमें इसको डाल देना है। डाल दिया बेटर, मैं आपको दिखा दिया। पैन लेना है, उसमें बटर डालना है। मेरे पास बटर पेपर नहीं है। बटर डाल के मैंने ये मैदा लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया क्योंकि केक हमारी और चिपके ना। और मैंने ओरियो चीनी और इनो डाल के सिर्फ मिक्स करके दूध डाल के मैंने बैटर तैयार करा है गर्म दूध में बिना मिक्सचर के, आप देख सकते हो। और उसको हम यहाँ गैस पे चढ़ाएंगे। लेट्स सी स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है, फास्ट रखना है मतलब। और ये मैंने कुकर लिया है, आप देख सकते हो खाली है बिल्कुल। और इसको प्री हीट करना है मतलब थोड़ा गर्म होने देना है उसको, जब तक आप हाथ डालो और गर्म नहीं लगता तब तक। और मेरे पास ऐसी स्टैंड है, आप देख सकते हैं स्टैंड। ये कुकर में रखनी है, ऐसे कुकर में रख देनी है। और ये हमारा बैटर तैयार है, उसको प्री हीट होने देते हैं। फिर उसका ढक्कन आपको उसकी आपको इसकी सीटी निकाल देनी है और ऐसे रखना है, उसको प्री हीट होने देते हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैंने यूट्यूब से वीडियो एक एक बनाना सीखा है और मैंने उसमें बताया कि आप उसमें नमक भी डालो, तो मैंने उसमें नमक भी डाल दिया है। उसको प्री हीट मतलब थोड़ा गर्म 10 मिनट तक होने देना है। याद ध्यान रखें ऊपर की सीटी और एयरिंग निकाल देने, तो मैं एयरिंग निकाल देती हूँ। तो उसको प्री हीट होने पर रख देती हूँ 5-10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद ये प्री हीट आ रही है उसमें से गर्म, और हम उसको इसमें रख देते हैं। तो मैंने ये रख दिया है इसमें और इसको ढक्कन हम इसे बंद कर देंगे। नॉर्मल गैस रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मैंने नॉर्मल रखा है आप देख सकते हो। और सीटी और रिंग निकालने के बाद यहाँ से आपको पिन अप कर देना है और 5-5 मिनट तक आपको चेक करते रहना है कि थोड़ा सा हुआ कि हुआ भी या नहीं। तो हम कर रहे थे केक की तैयारी, तो मेरा बर्थडे था तो हमने केक लिया था, तो उसका वो प्लेट आती है वो मैंने रख दी थी संभाल के, ये प्लेट। और ये भी आई थी तो ये भी मैंने रख दी है संभाल के। मैंने दोनों वॉश करके वापस रीयूज़ करने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं केक रखने वाली हूँ। तो ये दोनों हो गए हैं। अब लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो।
मैंने सब चीज़ें खोल के रख दी हैं। मैं थोड़ी धीरे बात कर रही हूँ। यहाँ पृथ्वी सो रही है और ये हाइड एंड सीक वाले वो बिस्किट है, हार्ड बनाए हुए, और ये जेम्स है और ये चेरी है। और ये ओरियो बिस्किट है और ये डेरी मिल्क है।